दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के हर एक स्टूडेंट का बस यही सपना होता है कि वो एक बार यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आईएएस या पीसीएस के पद पर पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों, आईएएस को देश की सबसे बड़ी और राजाओं वाली नौकरी माना जाता है। आईएएस वो नौकरी है कि जिसमें सबसे ज़्यादा पावर, सैलरी और सुख सुविधा मिलती है। और दोस्तों, अगर आप एक बार आईएएस के पद पर पहुंच गए तो समझिए आपकी पूरी लाइफ सेट हो गई। वैसे तो एक आईएएस को महीने का केवल 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक सैलरी मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल सैलरी है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एक आईएएस महीने का कम से कम 80 से 90 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा ही लेता है। क्योंकि दोस्तों, एक जिले में छोटे बड़े जितने भी काम होते हैं वो सब आईएएस या डीएम के परमिशन से ही होते हैं। ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आईएएस की कमाई कितना होती होगी। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में ये भी जान लेते हैं कि भारत के 5 सबसे अमीर आईएएस ऑफिसर कौन हैं और उनकी कुल संपत्ति कितनी है। नंबर 5 पर नाम आता है श्री गणेश शंकर मिश्रा का। दोस्तों, इनका जन्म सन 1988 को मध्य प्रदेश में हुआ था। आईएएस गणेश शंकर मिश्रा ने यूपीएससी साल 2010 बैच को क्वालिफाई करके आईएएस बने थे। बात करें इनकी कुल संपत्ति की तो इनके पास 25 करोड़ की अचल संपत्ति और 5 करोड़ 60 लाख रुपए की चल संपत्ति मौजूद है। नंबर 4 पर नाम आता है कार्तिकेय गोयल का। छत्तीसगढ़ के आईएएस कार्तिकेय गोयल भारत के काफी सर्वश्रेष्ठ आईएएस ऑफिसर में से एक माने जाते हैं। इन्होंने भी यूपीएससी साल 2010 के बैच में आईएएस क्वालिफाई किया था। बात करें इनकी कुल संपत्ति की तो कार्तिकेय गोयल ने अपने टैक्स हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 32 करोड़ रुपए बताया था। इसके अलावा इनके परिवार के पास भी 4 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति मौजूद है। नंबर 3 पर नाम आता है फीमेल आईएएस ऑफिसर स्मिता सभरवाल का। दोस्तों, इनका जन्म 19 जून सन 1977 को बंगाल में हुआ था। स्मिता मैम अमीर होने के साथ साथ ये सबसे खूबसूरत आईएएस ऑफिसर में से एक मानी जाती हैं। इन्होंने यूपीएससी साल 2001 के बैच में ऑल इंडिया 4th रैंक लाकर आईएएस ऑफिसर बनी थी। फिलहाल इनकी पोस्टिंग सेक्रेटरी के पद पर तेलंगाना में हुआ है। वहीं बात करें इनकी कुल संपत्ति की तो स्मिता मैम के पास करीब 22 करोड़ की अचल संपत्ति और करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपए की चल संपत्ति मौजूद है। नंबर 2 पर नाम आता है बाबूलाल अग्रवाल का। दोस्तों, बाबूलाल अग्रवाल सबसे कम उम्र के आईएएस ऑफिसर बनने वाले में से एक माने जाते हैं। आपको बता दें कि बाबूलाल अग्रवाल यूपीएससी 2011 के बैच में आईएएस ऑफिसर बने थे। और जब ये आईएएस बने थे तब इनकी उम्र महज केवल 21 साल ही थी। और दोस्तों, पक्का आप बाबूलाल अग्रवाल की कुल संपत्ति जानकर चौंकने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, बाबूलाल अग्रवाल ने अपने टैक्स हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 253 करोड़ रुपए बताई थी। नंबर 1 पर नाम आता है अमित कटारिया का। दोस्तों, अमित कटारिया भारत के सबसे अमीर आईएएस ऑफिसर माने जाते हैं। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भले ही अमित कटारिया भारत के सबसे अमीर आईएएस ऑफिसर माने जाते हैं, लेकिन ये अपनी सैलरी केवल 1 रुपए पर मंथ ही लेते हैं। पर इनकी पत्नी एक पेशेवर पायलट हैं, जिसकी वजह से इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वहीं बात करें इनकी कुल संपत्ति की तो कुछ मीडिया की माने तो इनकी कुल संपत्ति करीब 290 करोड़ रुपए से भी अधिक है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वैसे अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।